इतनी शानदार जीत है कि छह सेशन भी नहीं लगे इंडिया को ये मैच अपने नाम करते हुए। लिटरली आई हैव नो वर्ड्स, ये बेसबॉल क्रिकेट है। मैं कहती हूँ इंग्लैंड भी फेल हो गया यहाँ पर। एक तरफ जीता इंडिया है, आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही तकलीफ की वजह। बजा के रख दिया इंडिया ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश को भाई इंडिया ने बता दिया कि हम पाकिस्तानी है जिसको व्हाइट वॉश कर रहे हैं, वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था और इंडिया ने इनको व्हाइट वॉश किया। मतलब एक जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था। T20 वाला फॉर्मेट भाई खेला है उन्होंने, T20 के अंदाज में उन्होंने खेला है। बिलीव मी, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं थी। नहीं, इंडिया को दो दिन में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच खत्म करके रख दिया और बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया, जिनसे हम अपने घर में 2-0 से बुरी तरह हारे थे, उनको इंडिया ने अपने घर में ले जाकर 2-0 से बुरी तरह शिकस्त दे दी है। काली बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नजर यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि पेपर पे लिखा जाता तो आप लोगों को बहुत आसान लगता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन टीम इंडिया ने यही किया कि टीम इंडिया ने 95 रन दिए और 285 रन जो उन्होंने पहली इनिंग में मिला के 380 रन बनाए। 40 हम उस टीम से हारे हैं जिस जो टीम यानी कि जीतने के इस तरह काबिल ही नहीं थी। हम बांग्लादेश से बांग्लादेश जो हमें घर में घुस के हमारे जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी। हमने भी बांग्लादेश एटलीस्ट बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, चांदू बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बांग्लादेश का लेवल क्या है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान को तो बस आप वेरी वेरी टीम ही समझे, हम तो हर किसी से हार जाते हैं, तो हमें हराकर बांग्लादेश खुद को पता। दो दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया और ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। बांग्लादेश को 2-0 से, जो मैच लग रहा था 80-90% की यहाँ डरा होगा, लेकिन भारत ने इस मैच को बना दिया और अपने झोली में इसको डाल दिया। पहले बल्लेबाजी अच्छी की, फिर गेंदबाजी भी अच्छी की, दूसरे पारी में तो सिर्फ 146 पर ही बांग्लादेश की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। सिर्फ एक मुस्कुर रहमान थे जो लास्ट तक टिके रहे और कोई उसका साथ नहीं दे पाया, और लास्ट में भारत ने उनको भी आउट कर दिया और भारत ने इस मैच को जीत लिया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला यशस्वी जायसवाल को और प्लेयर ऑफ द सीरीज आर अश्विन को मिला, जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी किए थे जो भारत को मैच जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत इस तरह से WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद एकदम पूरी पक्का कर दिया कि अब भारत ही खेलेगा। सिक्स सेंस होती है और आपको, लेकिन भाई सिक्स सेंस इस तरह से सच होगी, ये स्ट्रेटजी होगी, ये अंदाज होगा, ये तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही कल मैंने अपना लाइव बंद किया, उसके बाद जब मैंने देखा तो बिलीव करें जायसवाल जो है वो तबाह कर चुका था बांग्लादेश की तमाम बॉलिंग को। जो उन्होंने स्कोर बनाया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जो उनका अंदाज था, जो उन्होंने भाई करके दिखा दी है, कोई इस बात का मेरे पास लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अगर मैं देखूं, हम बात करते हैं टेस्ट के अंदर टेम्परामेंट होता है, आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना होता है, आपको आराम आराम से खेलना होता है, भाई कोई चक्कर नहीं है। जायसवाल ने तबाही फेर दी है कल की अगर मैं बात करूँ, और आज तो उससे भी बढ़ के खैर हो गया, लेकिन कल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी जनाब स्ट्राइक रेट। आप स्ट्राइक रेट चेक करो, किसका स्ट्राइक रेट टेस्ट में ये होता है। और उसके बाद अगर आप बात करो कि आप मतलब स्कोर देखो उनका, T20 वाला फॉर्मेट भाई खेला है उन्होंने, T20 के अंदाज में उन्होंने खेला है। बिलीव मी, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं थी टेस्ट क्रिकेट। ये बताती है आज तक उनसे हारे नहीं थे और फिर उसके बाद हम हार गए 2-0 से। हमने सोचा ये टीम बहुत अच्छी हो गई, इंडिया को भी हरा देगी, लेकिन इंडिया तो फिर इंडिया। मैंने इंडिया को हराने का तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा यार टफ टाइम तो जरूर देंगे भैया। उनको तो जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी, सुंदास, मेहदी हसन, मिराज, सबको एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने, सबको एक्सपोज करके रख दिया। इंडिया ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया पाकिस्तान के साथ, सही में जले पे नमक। मतलब कि पहले भी तकलीफ में थे, शान मसूद को तो एक हफ्ते से होश ही नहीं आ रही थी ना कि बांग्लादेश से हार गए, अब उसकी महीने तक होश उड़ जानी चाहिए कि इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और हम 2-0 से हारे। इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ऐसा आया किसी ने सोचा ही नहीं था भाई साहब। और ये कल मैं बातें कर रहा था कि एक सेशन पहले खत्म होता नजर आ रहा है, वो ऐसा सनसनीखेज मैच जिसकी तरफ तो ये की जाए थी कि यार ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ होगा, लेकिन इंडियन टीम ने, इंडियन प्लेयर ने बता दिया कि वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने लिए कोई भी नहीं खेलता। मतलब ऐसा घंटा बजाया, मतलब बाबर आजम के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत चीजें हैं।
बाबर आजम को इधर घंटा इसलिए नहीं बोला जा रहा, आज बता देगा रोहित शर्मा ने कैप्टनसी क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, प्लेयर को साथ लेकर चलना क्या होता है, रोहित शर्मा ने बता दिया है। देखे भजन, डेढ़ दिन बारिश, ढाई दिन करीबन बारिश रही है, उसके बाद चौथे दिन मैच शुरू हो रहा है और करीबन 233 पे आल बंगाली फड़का दिए जाते हैं। क्या समझ रहा था, इंडिया ने लेवल बता दिया है बांग्लादेश का, कमाल की परफॉर्मेंस, दो दिन में रिजल्ट निकाल कर दे दिया, और क्या चाहिए भाई, टीम इंडिया इज अनस्टॉपेबल इन एवरी फॉर्मेट। इस वीडियो में बात करेंगे जसवाल के बारे में, बात करेंगे द राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, कमाल का टैलेंट है और इसने बहुत 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 आगे जाना है, ये बात पक्की है। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो इंडिया की जीत में आज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, टारगेट 10K तक जाना है तो उसे जल्द से जल्द कम्प्लीट करना होगा। तो आई होप कि आपने जो है आप मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर दिया है। बात करते हैं इंडिया की जीत के बारे में, यार दिस विन इज वेरी वेरी स्पेशल, क्यों, क्योंकि ये बात नहीं है कि इंडिया जीत गया, इंडिया जीत रहा है भाई, इंडिया 2013 से जीत रहा है, घर पर 2013 से इंडिया एक मैच भी नहीं हारा, सीरीज नहीं हारा, घर पर इंडिया जीत 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 और सिर्फ जीत देख रहा है। आप ये चीज चेक कर लो, 18 टेस्ट सीरीज टीम इंडिया मुसलसल घर पे जीत गया है, मतलब बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था, उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे जब दो आउट थे, शॉट्स देखे मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्वीप शॉट खेलने की जरूरत थी, मुझे नहीं लग रहा था, कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम जरूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना, अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है मैच, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो एक चीज समझ आती है। लेकिन ये जबरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई जरूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे, अबे भाई क्या जरूरत थी शॉट मारने की, हो गया, वो ये इंडिया ही कर सकती है। अगला भाई मेरी नजर में, अगर मैं 2024 के टेस्ट मैचेस को देखूं ना, 2024 के अंदर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, 2024 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच हुआ, इसी के साथ साथ 2024 के अंदर हमने श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के देखे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के देखे और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के देखे। लेकिन अभी तक 2024 का अगर मुझसे पूछोगा तो ये सबसे वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट मैच रहा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह ये है कि तीन दिन हमने रगड़ के पीसीए को रगड़ा लगाया कि इस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता, जिस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी, उस मैच का इंडिया ने रिजल्ट निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ डेढ़ दिन के अंदर, डेढ़ दिन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और अगर ओवरऑल अगर पूरे मैच को देखा जाए ना तो दो दिन से ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि पहला दिन था उसमें भी आधा दिन वो इंडिया की तरफ से, उसके बाद 285 का टारगेट दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आखिरी पांचवा दिन होता है, और उनके उसके बाद जो बंगालियों को 146 पे ऑल आउट कर दिया गया है, ठीक है, ये पाकिस्तान की घंटा बॉलिंग नहीं है, ये इंडिया की नंबर वन बॉलिंग है। भजन आप आकाश जी का सामना कर रहे हैं, आप बुमराह का सामना कर रहे हैं, आप अश्विन का सामना कर रहे हैं, मतलब इंडिया की टीम ने ये एक्सक्यूज नहीं दिए कि बारिश हो गई है, पिचे खराब है, ये खराब है, मतलब शांतु का लेवल ही हो रहे यार, इस लेवल पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया वेस्ट इंडीज ने, अभी टेस्ट मैच हमने देखा था ना, श्रीलंका क्या कुछ नहीं कर रहा न्यूजीलैंड के साथ, यार लोग मतलब ये देखो कि अपने घर में हार रहे हैं, इवन टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बट लुक एट इंडिया, मतलब दे आर अनस्टॉपेबल अनबीटेबल, आप इन्हें नहीं सोच सकते हराने का व्हेन दे आर एट होम और इवन अवे एज वेल, दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन क्रिकेट। आप रोहित शर्मा की जो एक मेंटेलिटी है ना, मुझे लग रहा है कप्तान रो जो है ना वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठा के ही मानेंगे, इससे कम की बात नहीं करने वाले वो, और मैं सोच रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, मुझे तो उनकी फिकर सताने लगी, उन पे तर्स आने लगा है, बिकॉज दिस टीम इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस लग रहा है। आप ये चीज चेक करो, पूरी टीम कमाल की है, सबकी परफॉर्मेंस आई है, प्लेयर ऑफ द मैच जसवाल, प्लेयर ऑफ द सीरीज रविचंद्र अश्विन, अश्विन का भाई ये नहीं होती है भाई टेस्ट क्रिकेट में, तो कभी आज तक देखा ही नहीं है इस तरह से, जो उन्होंने अंदाज फॉलो किया, जो स्ट्रेटजी फॉलो की, अच्छा मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा थोड़ा सा स्कोर है, इसको तो बांग्लादेश कर लेगा, और बांग्लादेश अगर इससे ऊपर स्कोर बना गया, मतलब एक ना स्ट्रेटजी मुझे वक्ती तौर समझ नहीं आई है। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा था
कि उन्होंने एग्जैक्टली ट्रैप किस तरह से किया है, अब अंदाज क्या था, मतलब तरीकाकार क्या था. सबसे पहले उन्होंने ट्रैप किया जनाब, उन्होंने क्या कहते हैं स्कोर इतना बनाया जितना आज के दिन में इनफ है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन किया. दो दिन तो बारिश की नज़र हो गए, पाँच दिन का टेस्ट मैच था, अब उनको मैच खत्म करना था अगले दो दिन में, यानी आज का दिन और कल का दिन. दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है कि भारत एक ऐसी टीम है जो T20 टेस्ट को भी बना दिया है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी T20 को इतना तेज नहीं खेलते और भारतीय खिलाड़ी टेस्ट को इतना तेज खेल के डरा होते मैच को जीत में तब्दील करवा दिया. जो ढाई दिन का मैच नहीं हो पाया था उसके बाद भी भारत ने इस मैच को अपने झोली में डाल लिया. तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट.